दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। ए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज ए स्टैंपिंग मशीन इंटरनेट टू स्टैम्प इंप्रेशंस ऑफ डाइस ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन और प्राइवेट ऑन प्राइवेट एंड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स इन द पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फीस। हम जो पोस्टेज फीस देने के लिए जो हम डाक टिकट का यूज़ करते हैं उसके बदले में एक स्टैम्प इंप्रेशन यूज होता है आर्टिकल्स के ऊपर, जिसमें डाई होते हैं, मतलब कलर्स, दो कलर्स के होते हैं, तो उसको पेमेंट करने के लिए वो अप्रूव होता है, उसको बोलते हैं फ्रैंकिंग मशीन। स्टैंपिंग मशीन है फ्रैंकिंग मशीन एक। इसके दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, RMMF रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। ये दो टाइप्स के फ्रैंकिंग मशीन होते हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन के दो डाय होते हैं, वैल्यू डाय और एक लाइसेंस डाय। तो ऑथराइज डीलर्स होते हैं जो कि पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन बनाते हैं। ये सब लिस्ट है ऑथराइज डीलर्स की। तो हम देखते हैं फ्रैंकिंग मशीन के लिए जो लाइसेंस है वो हेड ऑफ द डिवीजन प्रोवाइड करते हैं। द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट अंडर ए वैलिड लाइसेंस इज इशूड बाय द हेड ऑफ द डिवीजन। फ्रैंकिंग मशीन मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन टू ऑफिसेस स्पेसिफाइड बाय द SPOs इन द लाइसेंस। जो फ्रैंकिंग मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स जो होते हैं जिसमें डाक टिकट का भुगतान स्टैंपिंग मशीन से किया गया हो, उसको मोर देन टू ऑफिसेस में पोस्टेड नहीं कर सकते। जो SPO द्वारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो लाइसेंस देते हैं उसमें दो पोस्ट ऑफिस, ओनली टू पोस्ट ऑफिस, वन पोस्ट ऑफिस में अगर बंद हो तो दूसरे पोस्ट ऑफिस में किया जाए। विंडो डिलीवरी टिकट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग लाइसेंस लेते हैं स्टैंपिंग मशीन का, फ्रैंकिंग मशीन का, उनको एक विंडो डिलीवरी टिकट दिखाना पड़ता है काउंटर में। तो फ्रैंकिंग मशीन का इंप्रेशन कैसे होना चाहिए, देखो, द इंप्रेशंस ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल आर्टिकल शुड नॉट बी इन्फर्ड विथ एनी वे इंटरफियर्ड। मतलब उसको ओवरलैप कुछ नहीं कर सकता, वो प्लेन जो आर्टिकल के ऊपर एक क्लियर जगह पर होने चाहिए। इंप्रेशन शुड बी ऑफ ब्लू कलर, वो ब्लू कलर होना चाहिए, क्लियर और डिस्टिंक्ट, शुड नॉट बी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल दे शुड बी ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द आर्टिकल। जो आर्टिकल होता है उसका राइट साइड में एड्रेस का नाम होता है जिसको हम भेजते हैं, उनका टॉप कॉर्नर में चिपकाना चाहिए, स्टैंपिंग होना चाहिए। अन एड्रेस रैपर और अन एड्रेस लेवल फार्म बी अटैच टू इट। फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट। देयर मे बी मोर देन वन इंप्रेशन ऑफ द वैल्यू डाय बट ओनली वन इंप्रेशन ऑफ लाइसेंस डाय ऑन इच आर्टिकल। जो लाइसेंस डाय वैल्यू डाय दोनों का स्टैंप लगेगा। लाइसेंस डाय के लिए एक ही इंप्रेशन होगा, लेकिन वैल्यू डाय के लिए मोर देन वन इंप्रेशन लग सकता है, वैल्यू जो होगा उसका। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज ऑन प्रिंट आर्टिकल्स। अगर आप मशीन फ्रैंक्ड किए हो आर्टिकल को, उसको लेटर बॉक्स में लेटर बॉक्स में डालेंगे तो वो अनपेड के तरह ट्रीट हो जाएगा, उसको पेड नहीं किया गया, ऐसे ट्रीट करा जाएगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बेयरिंग इंप्रेशन ऑफ द प्रीवियस डेट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को डाल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को जो प्रीवियस डेट का अगर स्टैंपिंग हुआ है इंप्रेशन, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का फ्रेश डेट में स्टैंपिंग होना चाहिए, जो जिस दिन हम पोस्ट कर रहे हैं उस दिन का स्टैंप लगना चाहिए। जो हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन होते हैं उनका पास अधिकार होता है कि वो कैंसिल कर सके लाइसेंस को विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। कुछ रीजन नहीं बता करके भी वो उनके पास अधिकार है, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं। द फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑब्टेंड बाय द लाइसेंस ओनली फ्रॉम द ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। जो ऑथराइज्ड जो डीलर्स होते हैं उनसे फ्रैंकिंग मशीन लिया जा सकता है। उनको ऑथराइज कौन करेंगे, ये क्वेश्चन में आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट उनको ऑथराइज करेंगे। नेक्स्ट है, ए रिबेट ऑफ 3% इज अलाउड ऑन फ्रैंक्ड वैल्यू व्हेनेवर द मीटर इज रीसेट और क्रेडिट इज अपलोडेड इन द मशीन ऑन द वैल्यू ऑफ इंप्रेशन। द रिबेट विल बी अलाउड ऑन ए मिनिमम कंजप्शन ऑफ 5000। 5000 रुपीस को चार्ज आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, फ्रैंकिंग मशीन को टॉपअप करना पड़ेगा। अगर 5000 का रुपीस का टॉपअप करते तो 3% का डिस्काउंट मिल जाता है। अलाउंस विल बी मेड फॉर एनी इंप्रेशन मेड इन एरर, लेस डिडक्शन ऑफ 5% ऑन फेस वैल्यू ऑन सरेंडर ऑफ द एनवलप्स और रैपर्स प्रोवाइडेड दैट द इंप्रेशन इज एलिजिबल एंड द एंटायर एनवलप और रैपर इज प्रोड्यूस्ड दैट द क्लेम इज प्रिफर्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन। जो अगर इंप्रेशन बना लिया उसको सरेंडर करना चाहते हो तो 5% का फेस वैल्यू में डिडक्शन होगा, माइनस होगा 5%, जो जितना आपने स्टैंपिंग किया हो उसको सरेंडर करना चाहते हो तो उसको कितने दिन के अंडर सरेंडर कर सकते हैं, क्लेम करना पड़ेगा उसको 3 month के अंडर, फर्स्ट इंप्रेशन का 3 month के अंडर करेक्शन करना पड़ेगा। एन एडवर्टाइजमेंट डिवाइस में भी ऑल्सो अपियर अलॉन्ग साइड ऑफ द डेट स्टैम्प इंप्रेशन प्रोवाइड दैट
एडवर्टाइजमेंट भी आप कर सकते हो डेस्कटॉप के इंप्रेशन के पहले। इट इज़ कन्फाइंड टू द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवलप और कार्ड। जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो लेफ्ट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवलप में होगा, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होगा। इन इवेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द लाइसेंस विल बी फोर्थ विथ कैंसल्ड बाई द हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल। अगर कोई कंडीशन को लाइसेंस ही जो लाइसेंस लिया है वो कंडीशन को ब्रीच करता है, अगर टूट जाता है कंडीशन नहीं होता है तो लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल द्वारा। जो CPF जो होते हैं उनके पास पावर है कि वो कैंसिल कर सकते हैं। कंडीशन देखते हैं, कंडीशंस फॉर हायरिंग द फ्रैंकिंग मशीन टू गवर्नमेंट ऑफिसेस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। जनरल कंडीशन, ए लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन ऑन दी फॉर दी पोस्टल डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय दी गवर्नमेंट ऑफिसेस विल बी ग्रांटेड बाय दी पोस्ट मास्टर जनरल। अगर कोई मिनिस्टर और कोई डिपार्टमेंट फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उनको ग्रांट कौन करेगा? पोस्ट मास्टर जनरल करेंगे। द हायरिंग स्कीम ऑफ फ्रैंकिंग मशीन फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन जहाँ जहाँ पर अवेलेबल करा जाएगा वहाँ पर एक रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो तभी पर वहाँ पर ही पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन दिया जाएगा। तो पोस्ट मास्टर जनरल कंसर्न रिजर्व्स द राइट टू हिमसेल्फ द राइट ऑफ रिफ्यूजिंग और कैंसलिंग लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। पोस्ट मास्टर जनरल जो है वो कैंसिल कर सकते हैं और रिफ्यूज कर सकते हैं लाइसेंस को असाइन करने में, लाइसेंस नहीं देने में रिफ्यूज कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं लाइसेंस को एनी रीजन, कोई भी कारण बिना कारण से वो भी कैंसिल कर सकते हैं। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई इन द लाइसेंस द टू ऑफिसेस वेयर द मेल ऑफ द लाइसेंस विल बी एक्सेप्टेड। लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो बताएंगे लाइसेंसधारी को कि दो ऑफिसेस का नाम बताएंगे वहाँ पर उनका लाइसेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। वन ऑफ द टू स्पेसिफाइड ऑफिसेस शैल बी द मेन ऑफिस एंड द स्टेटस ऑफ द ऑफिस शुड बी लोअर सिलेक्शन ग्रेड और अबव। जो LSG ऑफिस होते हैं SO का उनका ऑफिस का उसके हायर ऑफिसेस में ही अवेलेबल होंगे। वन ऑफ द टू स्पेसिफाइड दो जो ऑफिस दिया जाएगा उनको फ्रैंकिंग मशीन पोस्ट करने के लिए। व्हाट सर्विस विल बी यूज्ड फॉर लाइसेंस डाक टू फैसिलिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच लेटर्स एज ऑफिशियल डाक। ऑफिशियल डाक होगा तो उसमें सर्विस वर्ड का यूज करा जाएगा। लाइसेंस डाक में सर्विस लिखा जाएगा। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विल ऑल्सो इशू विंडो डिलीवरी टिकट टू द लाइसेंसी अलोंग विद द लाइसेंस। जो लाइसेंस लेगा उनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी विंडो डिलीवरी टिकट देंगे। उसके बाद क्या क्या देंगे? उसके बाद देंगे फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर रिगार्डिंग पोस्टिंग, रजिस्टर दिया जाएगा उनको, एक फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक भी दिया जाएगा। तीन चीज़ें दिया जाएगा, विंडो डिलीवरी टिकट, फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर बुक रिगार्डिंग पोस्टिंग के लिए मेंशन होगा, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम पेमेंट सेटिंग और रीसेटिंग ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन। द मिनिमम एडवांस पेमेंट विल बी 2000 फॉर फर्स्ट सेटिंग ऑफ द मशीन। जो फर्स्ट आप मशीन लेंगे तो मिनिमम एडवांस पेमेंट 2000 देना पड़ेगा आफ्टर इशू ऑफ द लाइसेंस। लाइसेंस इशू होने के बाद फर्स्ट इनिशियल टॉपअप 2000 की करना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट फॉर एडवांस पेमेंट फॉर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट फॉर सेटिंग ऑफ द रीसेटिंग फ्रैंकिंग मशीन विल बी 1000 प्लस मल्टीपल ऑफ 100। एडवांस पेमेंट और सब्सिक्वेंट डिपॉजिट अगर करेंगे, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट 2000 होगा, नेक्स्ट डिपॉजिट सब्सिक्वेंट डिपॉजिट फ्रैंकिंग मशीन के लिए तो 1000 और मल्टीपल ऑफ 100 होगा। और क्या है, 5000 का एट ए टाइम ऊपर अगर आप टॉपअप करते हैं तो उसका रिबेट 3% मिलेगा। रिबेट ऑफ 3% ऑफ अमाउंट एक्सीड रेस 5000। 5000 से ऊपर अगर टॉपअप किया जाता है तो 3% अलाउड होगा। द पोस्ट ऑफिस शैल ग्रांट ए रिसिप्ट फॉर एनी मनी पेड बाय द लाइसेंस इन द फॉर्म ऑफ SEG 67। अगर लाइसेंसी जो लाइसेंस लेता है वो जो मनी पेड करता है लाइसेंस लेने के लिए उनको एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। उनका फॉर्म जो फॉर्म होगा SEG 67 में उनको रिसिप्ट दिया जाएगा। मशीन को रीसेट करने के लिए और मशीन को सेट करने के लिए एक ऑफिसर होता है डिपार्टमेंट का, जो उनका रैंक होता है पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर होते हैं पोस्टल का, वो देखते हैं एट द प्रीमिसेस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट और फर्स्ट और सब्सिक्वेंट डिपॉजिट मेड बाय द लाइसेंस। वो जो होता है फर्स्ट डिपॉजिट 2000 का होता है, उनका नेक्स्ट डिपॉजिट सब ही को वेरीफाई करते हैं पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर। ही इज द ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज ऑल्सो सील द मेटर ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन विथ हिज सील एट द सेम टाइम। उनको सील मिलता है जो कि वो सील कर सकते हैं फ्रैंकिंग मशीन के मीटर को। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द फ्रैंकिंग मशीन फ्रैंकिंग आर्टिकल शैल बी पोस्टेड इन नॉट मोर देन टू ऑफिसेस।
हैंकिंग मशीन जो हैंकिंग आर्टिकल्स होते हैं वो दो ऑफिसर्स से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में जो स्पेसिफाइड लाइसेंस ऑफिसर्स होते हैं, तो PMG होते हैं और हेड ऑफ द डिवीजन होते हैं, वो टू ऑफिसर्स में पोस्ट करने के लिए उनको स्पेसिफाई किया जाता है। तो दो ऑफिसर्स से ज़्यादा उनको अलाउ नहीं होता है। जो पोस्ट ऑफिस होगा, द मेन पोस्ट ऑफिस शैल बी ए पोस्ट ऑफिस ऑफ लोअर सिलेक्शन ग्रेड स्टेटस और अबव। जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करेंगे वो दो पोस्ट ऑफिस में, उनके से एक पोस्ट ऑफिस मेन पोस्ट ऑफिस जो होगा LSG से ज़्यादा, LSG हो गया लोअर सिलेक्शन ग्रेड, HSG भी होता है हायर सिलेक्शन ग्रेड, इसका जो अपर हायर पोस्ट ऑफिस में होगा। द फ्रैंक आर्टिकल्स बियरिंग द प्रीवियस और लेटर डेट और पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अनपेड। जो फ्रैंकिंग मशीन फ्रैंकिंग स्टाम्प होगा आर्टिकल्स में, उसमें जो प्रीवियस लेट होगा और लेटर डेट होगा तो उसको लेटर बॉक्स में हम पोस्ट करेंगे तो वो अनपेड के द्वारा ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हमको वो SO में न जेकर SO में जाकर जो जो स्पेसिफाइड टू पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको वहाँ पर लेकर दिखाना है, वहाँ पर वो पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट होता है लाइसेंस फी फॉर फ्रैंकिंग मशीन इज 375 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए उनका जो फीस होता है लाइसेंसी रुपये फ्रैंकिंग मशीन के लिए 375 रुपीज़ होता है। टू टाइप्स ऑफ मीटर्स अवेलेबल इन रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन नेम्ड असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर। फ्रैंकिंग मशीन में दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक असेंडिंग मीटर होता है, एक डिसेंडिंग मीटर होता है। फ्रैंकिंग इंप्रेशन जो होता है वो ब्लू कलर में होता है और इंडिकेट करता है क्लास ऑफ क्लास आर्टिकल। उसमें जो ब्लू कलर में जो स्टैंपिंग इंप्रेशन होता है उसमें क्या क्या रहता है, कौन से प्रकार का आर्टिकल है, पिन कोड रहता है, ऑथेंटिकेशन कोड, डेट ऑफ फ्रैंक, मेल आइटम नंबर, लाइसेंसी नंबर, फ्रैंक्ड वैल्यू, कितना रुपीज़ का फ्रैंक हुआ है, 2D बारकोड रहता है, बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीजी फ्रैंक प्लस इज द नेम गिवन बाय द इंडिया पोस्ट टू ए न्यू फैसिलिटी ऑफ फ्रैंकिंग बेस्ड रिमोटली मैनेजर फ्रैंकिंग स्टैंपिंग सिस्टम। जो होता है रिमोटली मैनेजर फ्रैंकिंग मशीन जो होता है उसको और एक नाम से पुकार जाता है, उसका नाम है डीजी फ्रैंक प्लस। डीजी फ्रैंक प्लस दिया गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा रिमोटली मैनेजर फ्रैंकिंग मशीन को। तो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज फ्रैंकिंग मशीन है? पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज ए स्टैंपिंग मशीन इंटेंडेड टू स्टैंप इंप्रेशन ऑफ द डायस ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन। जो डायस होगा, जो स्टैंपिंग इंप्रेशन का जो कलर होगा वो जो अप्रूव्ड कलर होगा, प्राइवेट और ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल दोनों में चिपका सकते हैं, स्टैंपिंग किया जा सकता है। इन द पेमेंट ऑफ पोस्टेज, पेमेंट को पोस्टेज को कैश देने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रैंकिंग मशीन में आप वॉलेट में टॉपअप कर देंगे तो उसके बदले में हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए पोस्टेज स्टाम्प और पोस्टल फीस। एनी कस्टमर हैविंग द रजिस्टर्ड अकाउंट ऑन द इंडिया पोस्ट साइट वी कैन यूज द फ्रैंकिंग मशीन सर्विसेज ऑन इंडिया पोस्ट साइट। अल्टरनेटिवली फ्रैंकिंग मशीन सर्विसेज आर अवेलेबल एट द सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। पोस्ट ऑफिस में भी यूज कर सकते। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस फॉर व्हिच आई कैन अप्लाई। तीन प्रकार के लाइसेंस फ्रैंकिंग मशीन में मिलता है, एक है इंडिविजुअल लाइसेंस, एक है कमर्शियल, एक है डिपार्टमेंटल लाइसेंस। यू कैन अप्लाई फॉर इंडिविजुअल एंड कमर्शियल लाइसेंस थ्रू द रजिस्टर्ड अकाउंट ऑन इंडिया पोस्ट साइट। इंडिविजुअल और कमर्शियल अगर लाइसेंस चाहिए तो हम रजिस्टर्ड अकाउंट इंडिया पोस्ट वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल लाइसेंस चाहिए तो हमको पोस्ट ऑफिस काउंटर को विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द रिन्यूअल फीस फॉर एक्सपायर लाइसेंस। अगर एक्सपायर हो गया लाइसेंस को, रिन्यूअल फीस के लिए क्या है, 475 रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट है, 475 रुपीज़। व्हेन कैन आई रिन्यू माई फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। यू कैन रिन्यू योर फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस एनी टाइम बिफोर 11th month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी टिल लाइसेंस एक्सपायरी डेट विद इन द रिन्यू फी ऑफ 375। अगर 11 months के अंदर, बिफोर डेट ऑफ एक्सपायरी के 11 months के अंदर रिन्यू कर लेते हैं तो उनको रिन्यूअल फीस 375 देना पड़ेगा, और एक्सपायर्ड हो गया है तो 475 रुपीज़ लगता है लाइसेंस का।